हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। एक और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की एक साथ रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल और उन मूवीज का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या था आपके साथ शेयर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी की जोड़ी की तमाम मूवीज की डिटेल और मूवीज का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या था आपके साथ शेयर किया था। आज की इस वीडियो में हम मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित एक साथ रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल और उन मूवीज का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या था आपके साथ शेयर करेंगे। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती ने भी ज्यादा काम नहीं किया एक साथ। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती ने 4 मूवीज में एक साथ काम किया था और इसके अलावा एक फिल्म थी जो बनने के बाद रिलीज ना हो सकी। मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित एक साथ ज्यादा काम क्यों नहीं कर सके, तो जहां तक मैं समझता हूं कि मिथुन चक्रवर्ती ने 90s के दौर में लो बजट की मूवीज ने काम शुरू कर दिया था और उसी समय पर माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बन चुकी थी और उनकी प्राइस खासी हाई हुआ करती थी, जिसकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती के डायरेक्टर माधुरी दीक्षित को मिथुन चक्रवर्ती के साथ साइन करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि वो अपनी फिल्म का बजट महदूद रखना चाहते थे। तो इसी कारण मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की बहुत कम फिल्में एक साथ रिलीज हुई। तो आज की इस वीडियो में मैं मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की एक साथ रिलीज होने वाली 4 मूवीज की तमाम डिटेल्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ एक फिल्म जो रिलीज ना हो सकी उस फिल्म की भी तमाम डिटेल आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की एक साथ रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल और उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या था आपके साथ शेयर करेंगे। सेकेंड मई 1989 को रिलीज होने वाली मूवी प्रेम प्रतिज्ञा। इस फिल्म में पहली बार मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित ने स्क्रीन शेयर किया था। प्रेम प्रतिज्ञा के डायरेक्टर थे बापू। इस फिल्म के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा, रंजीत और देवेन वर्मा शामिल थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी प्रेम प्रतिज्ञा बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। 12 मई 1989 को रिलीज होने वाली मूवी इलाका। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती को एक बार फिर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। इलाका मूवी के डायरेक्टर थे अजीज सिजावल। इस फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के अलावा धर्मेंद्रा, संजय दत्त, अमृता सिंह शामिल थी। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे नदीम श्रवण। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मूवी इलाका, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 28 जून 1989 को रिलीज होने वाली मूवी मुजरिम। इस फिल्म में तीसरी बार मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। मुजरिम मूवी के डायरेक्टर थे उमेश मेहरा। इस फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के अलावा नूतन और अमरेश पुरी भी शामिल थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे अन्नू मलिक। माधुरी दीक्षित और मिथुन चक्रवर्ती स्टारर मूवी मुजरिम बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। 11 जनवरी 1991 को रिलीज होने वाली मूवी प्यार का देवता। इस फिल्म में चौथी बार मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। प्यार का देवता के डायरेक्टर थे के भपैया। इस फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के अलावा मौसमी चटर्जी, कादिर खान और शक्ति कपूर भी शामिल थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी प्यार का देवता बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म भी हिट साबित हुई थी। 1993 में रिलीज के लिए प्लान की गई मूवी जय देवा। इस फिल्म में पांचवी बार मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित दर्शकों को देखने को मिलते, लेकिन किसी कारण ये फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। जय देवा मूवी के डायरेक्टर थे लॉरेंस डिसूजा। इस फिल्म की लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित के अलावा संजय दत्त और डेनी भी शामिल थे। इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे नदीम श्रवण। मिथुन चक्रवर्ती, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त स्टारर ये मूवी 1993 के लिए प्लान की गई थी। इस फिल्म का पोस्टर भी आउट हो चुका था जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। किसी कारण ये मूवी रिलीज ना हो सकी और आज तक ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है।
तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की एक साथ रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल और उन मूवीज के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट क्या थे आपके साथ शेयर किए। मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित की इन मूवीज में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आने वाली वीडियोस में आप किन किन जोड़ियों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं और हमारा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज का वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।